स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटरमिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में NCERT के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं। तो अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलम तथा 3×10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। उनके बीच बल पूछा है, दो आवेश दिया गया है Q1 और Q2 और उनके बीच में जो बल लग रहा है वो हमसे पूछा गया, और बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो याद होगा आपको, अगर आपने कूलाम का नियम पढ़ा है तो कूलाम के नियम से हमने ये देखा था कि Q1 और Q2 अगर दो आवेश हैं तो उनसे जो हमारा बल निकलता है वो F=1/4πε₀Q1Q2r² आता है। ठीक है, ये हमने फार्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया है कूलाम के नियम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आवेश Q1 और Q2 है जिनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो अगर जिनके बीच की दूरी r है तो ये जो फार्मूला हमें निकला है इसी से निकला है। तो Q1 बराबर इस क्वेश्चन में दिया है 2×10⁻⁷ कूलाम, एक आवेश 2×10⁻⁷ कूलाम दिया है, दूसरा आवेश 3×10⁻⁷ कूलम दिया है, और इनके बीच की दूरी r बराबर दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस फॉर्मूला पर रखने से पहले इसके यूनिट को देख लेते हैं कि इसका यूनिट सही है कि इसका कूलम में है, इसका कूलम में सही है। इसका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में नहीं रखना, इसको मीटर में रखना है तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। देखिए, r बराबर 30 सेंटीमीटर है ना, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो r बराबर 30×10⁻²² से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब देखिए r बराबर यहाँ पे 30×10⁻²² रखना है, मीटर में रखना है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले पे हम इन सभी मानों को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बल पूछा है तो F बराबर लिखेंगे 1/4πε₀, इसका मान होता है 9×10⁹। ठीक है, और गुणे में Q1 का मान कितना दिया गया है, 2×10⁻⁷, गुणे में Q2 का मान कितना दिया गया है, 3×10⁻⁷। ठीक है, और बट्टा में R² लिखेंगे, R² का मान क्या है, 30×10⁻², ये हो गया हमारा R और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए F बराबर हमें क्या मिलता है, F बराबर देखिए यहाँ पे अगर हम 2×3 में करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2×3=6 हो जाएगा, तो 9×10⁹ लिखेंगे और गुणे में इसका गुणा इसमें करा देंगे, 6 हो जाएगा गुणे में, और 10⁻⁷ यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का साथ है, यहाँ भी माइनस का साथ है, तो माइनस का साथ और माइनस के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 बटा में नीचे लिखेंगे 30² क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और गुणे 10⁻²² है इसका स्क्वायर, तो 10⁻²² से 2 में गुणा हो जाएगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 9 है ना, यहाँ पे 9 से अगर इसको काटेंगे 900 को तो 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 10⁹ गुणे में 6 गुणे में 10⁻¹⁴ और बट्टा में इस 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² गुणे में ये 10⁻⁴ है। ठीक है, -4। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, एफ निकालना है आपको, एफ देखिए 6 को लिख लेंगे गुणे में 10⁻ क्या लिख देंगे हम, -14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, 10⁻² गुणे में 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ में अगर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 10⁻²। ठीक है, अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे में 10⁻⁵ है, अब ये देखिए 10⁻², अगर नीचे है तो -2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+2, अब इसके बराबर में आ जाएगा 6 गुणे, ये 10 है ये 10 है, ऊपर का जो पावर होता है जुड़ जाता है, तो -5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻³। ठीक है, तो इतना न्यूटन जो हमारा होगा बल होगा। ठीक है, बल कितना होगा, 6×10⁻³ न्यूटन, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, और इस प्रश्न का आंसर जो होगा 6×10⁻³ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।